Hi friends welcome to free tips and tricks for mobile pc laptop technology and jobs first of all thanks to all my viewers and subscriber because you always comment you always share videos you always subscribe channel that's why channel increasing day by days so today is my subject regarding canada visiting visa before I apply vis canada visiting visa you have to know all this thing which i told in this video आज का जो मेरा सब्जेक्ट है प्लीज़ ये जो है मेरा इसलिए मैंने बनाया है कि अगर आप कनाडा की विजिटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं हमारे द्वारा या आप अपने आप से भी जो अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जो इस वीडियो में मैंने बताई है क्योंकि मैंने वीडियो तो वैसे ऑलरेडी बनाई भी हुई हैं लेकिन मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को इसलिए बोलता हूं कि जिससे कि आपको वो चीज़ें पता चल जाए कि जो वो चीज़ आपको नहीं पता हो तो वो चीज़ आपको पता चल जाए और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो ये वीडियो अगर आप बाद में देखेंगे तो आपको ये होगा कि हम पहले देख लेते तो अच्छा होता तो इसलिए करके आप अपने आप से भी अप्लाई कर रहे हैं या कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं या हमारे थ्रू भी अप्लाई करा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप मुझे आप डॉक्यूमेंट भी सेंड कर रहे हैं या मुझसे बोला है आपने कि हाँ सर हमारा जो अप्लाई करा दीजिएगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो आप अप्लाई कराइए जब ही जो है आपका जो है प्रोसेस आपको जो है हंड्रेड परसेंट जो है वीज़ा मिल जाएगा तो अगर आप इन स्टेप को जो मैंने बताया है इस वीडियो में उनको फॉलो करते हुए आप जो है अगर इस चीज़ को करेंगे तो इन यू विल गेट वीज़ा ईजिली तो इसमें देखिएगा सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जब से पहले तो देखिएगा जो प्रोसेस होता है वो तो यही होता है कि इसमें जो है आपको आपके फंड इसमें जो है मेन होते हैं आपकी ट्रेवल हिस्ट्री इसमें देखी जाती है और अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है फंड अच्छे हैं एंड आपको जो है आपका कोई कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो यू विल गेट वीजा ईज़ली इसमें आपको अगर ये दो तीन चीज़ें हैं और आपके जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पूरे हैं तो यू विल गेट वीडा ईजली ये जो है मेन चीज़ होती है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके और उसमें आपकी जो है एक फंड और आपकी जो है आपके एक कवरिंग लेटर जो है उसके लिए लिखा जाता है अपने बारे में आपको जो है पूरा लिखना पड़ता है इन चीज़ों का ध्यान आपको जो है ज़्यादातर रखना है कि ये जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कवरिंग लेटर और फंड फंड जो जैसे कि मैंने बताया था आपको अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो टेन थाउजेंड कैनेडियन डॉलर आपके जो है अकाउंट में थ्री मंथ ऑल जो है आपके होने चाहिए उसमें यानी टेन थाउजेंड करोडियन डॉलर जो है इंडियन रुपीस में सिक्स लेख के करीब जो है बैठ जाएंगे आप अपनी जो भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से आप कैलकुलेट उसको कर सकते हैं जितने भी जो है कैनेडियन डॉलर एक जहाँ का जिस कंट्री में चलता है तो टेन थाउजेंड करोड कैनेडियन डॉलर आपके अकाउंट में होना चाहिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसा कि मैंने बताया था पहले में मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है जैसा कि उसमें आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर है आई की रिपोर्ट है आपके टैक्स रिटर्न फाइल है वो आपकी होनी चाहिए ये भी मैन है उसके बाद अगर शादीशुदा है तो मेरी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके बाद आप जो है आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जैसे कि मैंने बताया था कि जो दो वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ आपके उसमें नहीं चाहिए ये चीज़ें ऐसी हैं इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप करेंगे तो इन आप जो को जो वीजा ही मिलने में ईजिली हो जाएगा या आप अपने आप से भी अप्लाई कर रहे हैं या किसी के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं यार हमारे थ्रू भी आप जो अप्लाई कर रहे हैं तो जिससे के बाद में आप जो है ब्लेम ना दे सकें तो आपको अब आप करना क्या है देखिएगा अगर आप हमसे जो अप्लाई कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपनी जो पासपोर्ट कॉपी और अपने फंड की जो है मुझे स्टेटमेंट एंड अपने जो है दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं अगर वहाँ के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और मैंने जैसे कि बताई थी आप वहाँ जा कर के पी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आइल्ट अगर आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छा है नहीं किया हुआ है तो हम उसमें भी जो है आपको प्रिपेयर कराते हैं और प्रिपेयर करा के फिर वहाँ के लिए आपको जो है वहाँ के कनाडा के लिए जो है ऑफ़र करते हैं अगर आप वहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप यहीं से जो है पी के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जो है आइड्स किया हुआ है और या जो है आप वहाँ जा कर के भी आप विजिटिंग पर यानी आपका एंट्री होना मकसद है एंट्री जो हम विजिटिंग वीजा के थ्रू वहाँ पर कराते हैं उसके बाद जो है आपको क्या है कि वहाँ का जो है चांस होता है कि आप जो वहाँ पर प्यार के लिए अप्लाई कर सकते हैं या जो है आप अगर वर्क परमिट के लिए परमिट के लिए वाट एवर यू वांट वी विल प्रोवाइड यू आपको देखते हैं कि आपका आइड्स स्कोर कितना है या आपके जो है डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है देखा जाता है वहाँ पर तो इसमें देखिएगा ये चीज़ें मैंने वीडियो इसलिए बनाई जिससे कि बता दूं आपको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने फंड पहले देखेंगे देखिएगा आप और इसमें देखिएगा कवरिंग लेटर जो है वो मैं बता दूंगा आपको कवरिंग लेटर इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें आपकी जो है ट्रेवल हिस्ट्री अगर आपने की हुई है तो उसमें पूरी अपनी डिटेल देनी होती है कनाडा जाने का रीज़न और वहां से आने का रीज़न वो दोनों जो है उसमें मैंशन होने चाहिए और इसमें जो है आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट भी जो है इसमें लगने चाहिए जैसे आप किसी दूसरी कंट्री घूमे हुए हैं तो उसकी जो स्टैम्प होती है वीज़ा उसके पेपर की जो है कॉपी जो है डॉक्यूमेंट के साथ लगानी चाहिए जब वो तो जब आप अप्लाई करेंगे मैं आपको जो है बता दूंगा और अपने आप से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सब ये सब डॉक्यूमेंट एक साथ पिन अप करके आपको वी सेंटर जाना है और वहाँ पर जो है आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको जो है इनशाला यू विल गेट वीज़ा ईजिली तो आप मेरा मतलब मकसद यही है कहने का चाहे आप ये हमसे अप्लाई करा रहे हैं या कहीं और से भी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आपको क्या क्या मैंने बताया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पूरे होने चाहिए सपोर्टिंग uh, डॉक्यूमेंट में जैसे कि पासपोर्ट कॉपी आपकी ट्रेवल हिस्ट्री आपके जो है बैंक uh, स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है तो वो और मेरिज सर्टिफिकेट है तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए ठीक है अब इसमें जो है दूसरी चीज़ जो है उसमें कवरिंग लेटर कवर लेटर में अपना पूरा जो है आपको इन्फॉर्मेशन देनी है क्यों वहाँ जा रहे हैं आप क्या उसके बारे में जानते हैं आप कनाडा के बारे में पूरा एक पेपर होता है वो मैं बता दूंगा आपको कैसे जो है टाइप करते हैं वो आप सिंपली कंप्यूटर से भी टाइप कर सकते हैं उसका जो है पूरा जो अगर आपको कोई इंस्पॉन्सर कर रहा है तो उनकी भी जो है उस पर जो आप इन, जो है दे सकते हैं नहीं कर रहा है तो अपनी जो पूरी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा तो क्यों कनाडा जा रहे हैं वहाँ जाने का पर्पज़ क्या है आपका और जो है वहाँ जा कर के आपको क्या करेंगे और कितने दिन में वहाँ से वापस हो जाएंगे ठीक है तो उसमें पूरा जो है देना पड़ता है अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इनशाला यू विल गेट वीज़ा ईजिली तो इसमें यह है कि आप जो है जब अप्लाई करेंगे तो उसमें पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और अगर उसमें क्यूरी जो भी है आपकी आप जो है पूछ सकते हैं और जो है मालूम उसमें जो है ले सकते हैं ठीक है थीके? तो मेरा मैं वीडियो बनाने का यही मकसद था अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो मैंने ईमेल आईडी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर जो है अपने डॉक्यूमेंट और अपनी जो डॉक्यूमेंट में जैसे कि मैंने बताया अपने दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सी और अपना जो है पासपोर्ट फोटो एंड अपनी बैंक स्टेटमेंट ये तीन चार चीज़ें मुझे जो है सेंड करिएगा और आइड्स किया हुआ है तो आइड्स की भी जो कॉपी मुझे सेंड करें जल्द से जल्द और मैं जो आपको जब आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे तो मैं आपको एक दो दिन में रिप्लाई करूंगा कि आप इलिजिबल हैं या नहीं है नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन आपको बताऊंगा अगर आइड्स का है या जो भी है मतलब आप डॉक्यूमेंट जो है नीचे ईमेल आईडी जो दी गई है उस पर जो है सेंड कर सकते हैं और सेंड करके जो है अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और इसमें यह है कि अगर आपको जो है वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो इसकी जो फीस होती है वो मैं बता ही चुका हूँ पहली भी वीडियो में आपको बता दिया कि क्या क्या जो है इसकी फ़ीस होती है और इसके चार्जेस हम जो मिनिमम होते हैं वही जो आपसे लेते हैं ये नहीं है कि जो हम कोई ज़्यादा जो जायज़ है जो कि मतलब ऑनलाइन अप्लाई कराने की फ़ीस होती है डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होने थे और सारी जो बस उसी में रहते हैं और थोड़े बहुत हमारे जो चार्जेस होते हैं वो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था ठीक है और अगर आप अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ईमेल आईडी पर सेंड कर दे ज़्यादा से ज़्यादा और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए तभी जो है डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करें कि ये आपके पास फंड होने चाहिए ये सब चीजें हैं आपके पास तो फिर आप मुझे सेंड करें इन शाह यू विल गेट वीजा इजिली सो आई होप आपको समझ आ गया होगा फिर भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी कोई भी आशंका हो आपकी जैसे यहाँ से रिलेटेड या और किसी से रिलेटेड यू कैन आंक्स ऑन माई व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी ऑन माई ओन नंबर और यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स आई विल गिव यू फुल जेनियन एंड लीगल वे सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ इफ यू डिट सब्सक्राइब चैनल प्लीज सब्सक्राइब द बेनिफिट ऑफ द सब्सक्राइब द चैनल आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो डेट वैन आई अपलोडिकली एंड गेट ऑल माई इन्फॉर्मेटिव डेली अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है आपने तो कर लीजिएगा करने का फायदा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो है डेली अपलोड होती है वो आपको जो है बाई डिफॉल्ट आपके मोबाइल में पी में लैपटॉप में आपके जो है यूट्यूब के जो होम पेज है उस पर जो आ जाएगी उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन वाली जैसे कभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है आपको ये ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए बिफोर अप्लाई आपको वहाँ पे अप्लाई करने से अगर ये चीज़ें ध्यान में है आपके तो इन आप जो है जो है वहाँ की वीज़ा आपको जो है मिल जाएगी तो इसलिए करके आपको ये चीज़ पता चल गई तो ऐसे ही अब आप, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आपके जो है जो यूट्यूब का होम पेज है उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी और नीचे देखिएगा बैल का भी आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा उससे जो है आइकन को दबाने से ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन आपके पास आपके ईमेल पर या जो है आपके मोबाइल पर जो है आपको मिल जाएगा वैसे तो मैं डेली जो है अपलोड करता हूँ न्यू न्यू वीडियोज तो वो वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी और आप जो है अपडेट होते रहेंगे उसमें तो इसमें जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या लाइव स्ट्रीम में मुझे साथ जुड़ सकते हैं जैसे भी आप चाहें WhatsApp पर कांटेक्ट करके आई यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वरी मोबाइल पी सी लैपटॉप टेक्नोलॉजी और जॉब्स और इमिग्रेशन और वीज़ा सो यू कैन आस्क मी एंड आई विल गाइड यू फुल जेनियन एंड लीगल वे सो आई होप आई यू अंडर स्टूड नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू अनदर आल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड इफ यू सब्सक्राइब चैनल प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज दिस रेड क्लिक बटन हैव डाउन You have this uh, red click subscribe button. When you will click on this red click button, then you will get uh, subscribe and you will get all my informative video which I upload. So I hope you understood now. So inshallah, I will make another video also. Till then, have a nice day. Take care. Bye bye. Allah. Peace.